हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा बात स्टार्ट कर रहे हैं डेसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। मेरे को दो इलस्ट्रेशन आज कराने हैं बेटा, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आप एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकाल लो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 निकाल लो पहले। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 8.13, पेज नंबर 8.13, इलस्ट्रेशन नंबर 8। बेटा देखो, वैसे बता देता हूं, इससे पहले ना कुछ जर्नल एंट्री दी गई हैं बुक में, ठीक है ना। 8.11 से स्टार्ट होकर 8.13 तक जर्नल एंट्री दी गई हैं। मैं ऐसा कोई कंसेप्ट लिखवाना नहीं चाहता, ठीक है ना। आराम से समझने की कोशिश करते हैं बेटा, मुझे लगता है ऐसे ही समझ में आ सकता है बिना कंसेप्ट करे, ठीक है जी। चलो बेटा, रीडिंग का बहुत बड़ा रोल है अकाउंट्स में, बस रीडिंग बहुत आराम से करना। अगर मैं देखूँ इलस्ट्रेशन 8, तो मेरे सामने 9 पॉसिबल केसेस हैं जिनकी मुझे जर्नल एंट्री करनी है अलग अलग तरीके से। देखते हैं जी, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ऐसे इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी करना है हमें अभी। चलो जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसिस व 10,000। सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की हमने एंट्री पहले भी की है, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन टू कैश या टू बैंक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लो जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। नरेशन भूल रहा हूं मैं, फॉर्मेट भूल रहा हूं बेटा, आप ढंग से कर लेना। टू कैश और टू बैंक अकाउंट अमाउंटेड टू ₹10,000। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे हैं हम। लो जी, पॉइंट नंबर 2, मुझे जर्नल एंट्री करनी है। सेकेंड वन बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। रियलाइजेशन के खर्चे तरन ने पे कर दिए, वो एक पार्टनर है। सर सिंपल सी बात, तरन ने पे कर दिए पार्टनर ने, मैं भी तो तरन को दूंगा ही, ठीक है ना। मेरे खर्चे थे, तरन ने पे कर दिया, मुझे तरन को पे करने हैं, ठीक है ना। और बेटा पार्टनर को नगद हम कुछ नहीं देते, उसकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं। यानी कि एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू तरन्स कैपिटल अकाउंट। लो जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है बेटा 5,000। चलो जी बेटा, आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन। अब बहुत आराम आराम से चलेंगे बेटा। रियलाइजेशन ऑफ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। आराम से केस पढ़ लो, इसका एनालिसिस कर लो, जर्नल एंट्री करनी बहुत आसान होगी। बेटा बोलता है रियलाइजेशन के खर्चे फर्म ने पे कर दिए मदन के बिहाफ पर। यानी कि बेटा पे करने होंगे मदन को, यानी कि अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सोचूं तो ऐसा हुआ होगा, मैंने मदन से तय करा होगा कि मैं तुझे कुछ रेम्यूनरेशन दे दूंगा, रियलाइजेशन के खर्चे तेरे रहेंगे। उसने कहा ठीक है मेरे रहेंगे, और आपको बोलता है बेटा रियलाइजेशन के खर्चे फर्म ने पे कर दिए मदन के बिहाफ पर, यानी कि मदन को करने चाहिए थे, मेरे खर्चे तो नहीं थे ना, फर्म के खर्चे तो नहीं थे ना। अब ये बात बहुत आराम से समझ लेना, अगर ये मेरे खर्चे होते तो सारे खर्चे डेबिट होते हैं, मैं इसको डेबिट करता था रियलाइजेशन के नाम से, मैं रियलाइजेशन को डेबिट कर देता। मेरा खर्चा तो नहीं है, पहले ये देख लो, फर्म का खर्चा तो नहीं है, लेकिन पे करा है फर्म ने, जब मैंने पे करा है तो कैश तो गया होगा। तो आंखें बंद करके ये बात तो मुझे क्लियर है, या तो टू कैश या तो टू बैंक आने वाला है, टू कैश अकाउंट। डेबिट किसको करूं भाई, मैंने मदन के बिहाफ पर पे कर दिया, मैं मदन से निकलवाऊंगा, और जब निकलवाऊंगा तो नगद वो मुझे कुछ देगा नहीं, उसकी कैपिटल को कम कर दूंगा। तो क्या कर दूं जी, मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है बेटा अमाउंट, अमाउंट है 5,000। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी सर, है यहां पर क्यों वजह? उसने कहा फर्म ने पे कर दिया मदन के ब्याह पर, पे कर दिए ना, कैश गया ना, जब भी कैश जाता है क्रेडिट होता है भाई, हैं? किस चीज को
सर मैंने आज तक ऐसी कोई बात रटवाई नहीं कि कोई ले गया और कोई ये गया, हर चीज़ रियलाइजेशन से होगी। मैं ऐसी बात कभी कोई रटवा नहीं सकता। आप पता नहीं क्यों खुद से चीज़ें रटना शुरू कर देते हो। भाई कैश आया कैश डेबिट, कैश गया कैश क्रेडिट, फर्म ने पे करा है, मेरी जेब से कैश गया है, मेरा खर्चा होता तो रियलाइजेशन को डेबिट कर देता, मेरा खर्चा नहीं है। उसने कहा मदन के भी पर पे करा, यानी कि मदन का खर्चा था, मदन को पे करना था। और रियलाइजेशन क्रेडिट तब होता है बेटा जब मेरी इनकम होती, या इनकम की कोई बात चल नहीं रही, इनकम क्रेडिट होती है, कभी खर्चे क्रेडिट नहीं हुए जिंदगी में, खर्चे डेबिट ही होते हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो जी फोर्थ वन, पवन आ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000। पवन एक पार्टनर है, मैंने रेम्यूनरेशन दे दी 20,000 खर्चों के साथ, एक्चुअल खर्चे हुए मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो पवन देखेगा, ठीक है ना बाबू। पवन को पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी, नगद तो कुछ नहीं दिया होगा पार्टनर को, क्या किया होगा, उसकी कैपिटल बढ़ाई होगी, और बेटा किस क्या एंट्री की होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए ये पवन अपनी बुक्स में देखेगा, मैं कोई पवन की बुक में अकाउंटिंग नहीं कर रहा, मैं तो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा हूं। हमने 20,000 की रेम्यूनरेशन दी खर्चे के साथ, खर्चा क्या हुआ वो पवन देखे बेटा। ओके बात, चार बातें, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, खर्चे हुए डिसोल्यूशन के 8,000, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर बोर्न बाय द फर्म, द बैलेंस वाज द रवि अ पार्टनर, और कहता है 8,000 पेड बाय द फर्म। सर देखो यहाँ ना, देखो दिमाग घुमाने लगेगा हर चीज में, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से समझते हैं। कहता है डिसोल्यूशन के खर्चे 8,000 है, पहले ना दो वर्ड में अंतर समझ लो, बोर्न करना और पे करना। बॉर्न करना मतलब जिम्मेदारी लिया मैं पे करूंगा, और हो सकता है बाद में पे नहीं कर पाया तो किसी और ने पे करे, ये दो अलग अलग वर्ड है। कहता है 8,000 रुपये डिसोल्यूशन के खर्चे हुए, पार्टनरशिप फर्म ने कहा 3,000 हमारे हैं, हम बॉर्न करेंगे, मतलब हमारे खर्चे हैं 3,000 के। 5,000 एक पार्टनर ने कह दिया मैं बॉर्न करूंगा जिसका नाम है रवि, और पे करे फर्म ने 8,000 के 8,000। सर अब सामने देखो, पहले मेरी तरफ बहुत आराम से, फर्म के जो खर्चे होते हैं डेबिट करेगी फर्म, हम तो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग कर रहे हैं बेटा, फर्म के खर्चे फर्म डेबिट करेगी, और जब हम डेबिट करते हैं किसके, रियलाइजेशन के नाम से। फर्म कोई भी कैश देगी हम लिखेंगे टू कैश, ऐसे ही होगा, सामने देख रहे हैं आप सब। बेटा एक ही एंट्री करेंगे, कंबाइंड एंट्री करेंगे, कोई बहुत बड़ा रोला नहीं पाना मैंने। हाँ जी, कहता है 3,000 के एक्सपेंसेस फर्म ने कहा मैं बॉर्न करूंगी, यानी कि 3,000 के खर्चे फर्म के हैं, ठीक है। 5,000 के खर्चे यानी कि बैलेंस जो खर्चे हैं वो रवि एक पार्टनर ने कहा मेरे खर्चे हैं, लेकिन कहता है 8,000 के 8,000 रुपये फर्म ने पे करे। बाबू जब फर्म ने पे करे तो मेरी जेब से कैश गया, तो लिख दो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, जो आपको ठीक लगे। 8,000 रुपये हमारी जेब से चले गए, हमारे खर्चे कितने थे 3,000 रुपये के, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म ने तो कहा था ना मेरे खर्चे 3,000 के हैं, फर्म अपने सारे खर्चों को डेबिट करती है जी, डेबिट कर दिया। 5,000 खर्चा था किसका, रवि का खर्चा था पार्टनर का, लेकिन मैंने पे कर दिया तो मैं तो रवि से निकलवाऊंगा, और पार्टनर से निकलवाऊंगा तो उसकी कैपिटल को कम कर दूंगा, नगद मैं कुछ भी नहीं ले रहा पार्टनर से, ठीक है ना जी। तो क्या करेंगे, रवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया ये केस, ठीक है। वैसे बता देता हूं, कहीं ना कहीं इस एंट्री का और इस एंट्री का कॉम्बो है ये। फर्म का खर्चा था रियलाइजेशन, फर्म पे करती थी ऐसे, पार्टनर का खर्चा था पार्टनर के बिहाफ पर आपने पे कर दिया, और यहां पर यही हुआ दोनों का कॉम्बिनेशन कि थोड़ा खर्चा आपका था थोड़ा पार्टनर का था, पे कर दिया फर्म ने, ठीक है ना जी। बढ़े आगे, जल्दी ना करना इसमें, बहुत आराम से चलना, क्योंकि ये केसेस ना घुमाता रहेगा, करने दो इसे जो कर रहा है। चलो जी बात करते हैं सिक्स्थ वन की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 बोर्न एंड पेड बाय करंट अ पार्टनर। बेटा
करण का ही खर्चा था, करण ने कहा मेरे खर्चे हैं रियलाइजेशन के जितने भी होंगे, उसका ही खर्चा था, उसी ने पे कर दिया, मैं क्या करूं, मैं तो करूंगा ही नहीं कोई एंट्री। पार्टनरशिप फर्म का क्या हुआ, या अगर पार्टनरशिप फर्म कहती मैंने पे करा तो मैं लिखता टू कैश में, अगर पार्टनरशिप फर्म कहती कि मैंने बॉर्न किया तो बेटा रियलाइजेशन को डेबिट कर देता, दोनों में से कुछ भी मेरा नहीं है। वो देखे ना पार्टनर, वो अपनी बुक में क्या करेगा, करण करेगा अपनी बुक में, मैं तो इसका कुछ भी नहीं करूंगा। अगर मैंने बॉर्न करने की प्रॉमिस की होती तो मतलब मेरा खर्चा होता तो रियलाइजेशन को मैं डेबिट करता, अगर करण पे करता तो करण की कैपिटल बढ़ा देता, मैं पे करता तो टू कैश लिख देता, ठीक है ना। या बॉर्न करने को कहा करण ने, मैंने पे कर दिया तो मैं टू कैश लिख देता क्योंकि मेरी जेब से कैश चला जाता। लेकिन यहाँ तो ना तो मैं पार्टनरशिप फर्म ने कहा मैं बॉर्न करूंगी और ना ही पार्टनरशिप फर्म ने कहा मैंने पे किया। बॉर्न करने वाला पार्टनर, पे करने वाला पार्टनर, मैं पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मेरा क्या रोल है इसमें, कुछ भी तो नहीं। तो सिक्स केस में कोई जर्नल एंट्री नहीं होने वाली, ओके है ना बात। चलो जी सेवेंथ वन पढ़ना जी, मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। सिंपल है जी, ये मनोज को रेम्यूनरेशन देनी है 10,000, नगद कुछ नहीं देते पार्टनर को, क्या करेंगे उसकी कैपिटल को बढ़ा दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू रुपी 10,000। चलो जी प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एट वन की। बेटा बोलता है देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देव को आपने क्या करा, रेम्यूनरेशन दी 15,000 रुपये की और कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर ऑल्सो पेड बाय द फर्म। देखो बेटा कल ये एक केस मैं बता चुका हूं, बाबू जरूरी नहीं है कि अगर आप रेम्यूनरेशन दे देते हो तो आप खर्चे नहीं करोगे रियलाइजेशन के, ऐसा हो सकता है। यहां पर अगर क्वेश्चन कह देता देव को आपने 15,000 रुपये रेम्यूनरेशन दी खर्चों के साथ और देव ने आपसे ही 8,000 रुपये पे भी करा दिए एक्सपेंसेस के, तो मैं सोचता भाई कि क्या करूं। लेकिन यहां पर इसने कहा आपने देव को 15,000 रेम्यूनरेशन दी और 8,000 आपने ही खर्चा दिया, दैट मीन्स कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ था देव के साथ। बाबू देखो एक बात सुनो, दोनों चीजों का अलग अलग पर्पस है, आराम से समझ लो। देव एक पार्टनर है, आपने लिक्विडेटर अपॉइंट करा, आपने उसको कहा कि सारी एसेट तू बेचेगा, सारी लाइबिलिटी पे करेगा। देव ने कहा 15,000 चाहिए, आपने कहा ये 15,000। देव ने साथ में कह दिया खर्चे मेरे नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है उसने एक एसेट सहारनपुर में नीलामी कराई और वो जानी है दिल्ली के किसी पर्सन ने खरीदी और रियलाइजेशन के सारे खर्चे आपके हैं बेटा, दिल्ली से सहारनपुर से ट्रक में लोड होके जाएगी दिल्ली, वो अपनी रेम्यूनरेशन में से नहीं देगा कुछ, अनलेस एंड अनटिल आपने तय किया हो। यहां पर कुछ तय नहीं हुआ, कहता है रेम्यूनरेशन तो दी 15,000, रियलाइजेशन के खर्चे भी आपके 8,000, तो दोनों के आपकी जेब से गई है, फर्म की जेब से गई है, दोनों ही मेरे खर्चे हैं बेटा, मैंने रेम्यूनरेशन दी मेरा ही खर्चा, मैंने बेटा एक्सपेंसेस दिए मेरा ही खर्चा, दोनों केस में रियलाइजेशन तो डेबिट होने ही वाला है। चलो जी देखते हैं बेटा एंट्री क्या होगी। लो प्यारे बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बेटा देव को आपने रेम्यूनरेशन दी 15,000 तो देव कैपिटल अकाउंट, नगद कुछ नहीं देते पार्टनर को, ठीक है ना, उसकी क्या करेंगे कैपिटल को बढ़ा देंगे और बेटा कहता है 8,000 रुपये रियलाइजेशन के खर्चे हुए, ठीक है ना बेटा, अगेन खर्चा हुआ रियलाइजेशन फिर डेबिट और बेटा लिखेंगे क्या टू कैश, मेरी जेब से 8,000 रुपये चले जाएंगे। अगर कह देता कि रियलाइजेशन के खर्चे देव ने कहा है मैं बर्न करूंगा और आपसे पे करा देता तो क्या करता, मान लो रेम्यूनरेशन दी 15,000 इसके बदले में ये तय हुआ देव ने कहा कि मैं बियर करूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और बेटा आपने क्या करा 8,000 रुपये फर्म से पे करा दिए, तो ये एंट्री तो एज इट इज रेम्यूनरेशन दी, टू कैश एज इट इज 8,000 आपने दे दिए, बेटा देव की कैपिटल को डेबिट कर देते क्योंकि देव ने कहा था मैं बॉर्न करूंगा और आपने पे कर दिए वो, तो बेटा देव की कैपिटल को कम कर देते, हो सकती है कॉम्बो एंट्री। मैंने तो पहले बोला रियलाइजेशन दोनों में डेबिट होगा, तो देव कैपिटल अकाउंट तो कैश अकाउंट ऐसे कर लो, ठीक है जी बढ़े आगे। चलो जी नाइन्थ वन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर बॉर्न बाय पवित,
बेटा पवित ने कहा, एक पार्टनर है, आ पार्टनर आगे लिखा हुआ है, रियलाइजेशन के खर्चे 5,000 रुपये है। एक पार्टनर ने कहा मैं बियर कर लूँगा, ठीक है ना, यानी कि हमारा खर्चा नहीं है, खर्चा किसका है, पार्टनर का है, ठीक है ना, मैं रियलाइजेशन को डेबिट नहीं कर सकता जब तक मेरा खर्चा नहीं है, ठीक है जी। हाउ एवर इट इज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर, इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन बुक। कायदे से एक बात बता देता हूँ बेटा, अगर ये लास्ट लाइन ना दी होती, सुन लो, ये लास्ट लाइन ना दी होती, इसने बोला एक पार्टनर ने कहा मैं बॉर्न करूंगा रियलाइजेशन का खर्चा, और दूसरे किसी पार्टनर ने पे कर दिया, सर अगर ये लास्ट लाइन ना दी होती ना, मैं अपनी बुक्स में कोई एंट्री करता ही ना, भाई मेरी बुक्स में क्या होना है, मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, एक ने बॉर्न करने को कहा, दूसरे ने पे कर दिया, पार्टनरशिप फर्म ने ना तो बॉर्न किया ना पे करा, मेरी बुक्स में क्या लॉजिक है इसका। लेकिन अगर इसने कह दिया ना लास्ट लाइन में कि इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दो, दैट सिंपली मीन्स कि मेरे को पे करना था, इसका मतलब भाई या तो मुझे बॉर्न करना था या मुझे पे करना था, एक ही बात होगी ना। अगर उसने बोला कि पवित एक पार्टनर ने कहा कि मैं रियलाइजेशन के खर्चे बॉर्न करने वाला हूं, और कहते हैं एक और पार्टनर है हितेश, उसने पे कर दिया, आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, इसका मतलब पे मुझे करने थे, और मेरे भी यहाँ पर पे किसने कर दिया, किसी दूसरे पार्टनर हितेश ने पे कर दिया, सिंपल सी बात, सब सामने देख रहे हैं। बेटा अगर पे कर दिए हितेश ने, मैंने तो पे नहीं करे, हितेश ने पे कर दिए, मुझे तो हितेश को देने चाहिए ना, तो क्या करें, उसकी कैपिटल को बढ़ा दें, टू हितेश कैपिटल अकाउंट, इसकी तो कैपिटल बढ़ा दो बेटा। लेकिन आप पवित के एंगल से सोचो, खर्चा पवित का था और पे कर दिया हितेश ने, ठीक है ना, जबकि पे किसको करना चाहिए था, पार्टनरशिप फर्म को, हितेश ने पे कर दिया, हम उसकी तो कैपिटल बढ़ा देंगे, पवित से निकलवाएंगे भी, तो पवित ने कहा था मेरा खर्चा है वो, तो पवित से निकलवाएंगे, क्या करें, उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, ठीक है जी, पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा ये बहुत परेशान करता है, किसका खर्चा, कौन बोन कर रहा है, कौन पे कर रहा है। बस मैं दो बातें जानता हूं, सिर्फ दो बातें, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है, पार्टनरशिप फर्म को बोन करना है, रियलाइजेशन हमेशा डेबिट होगा, पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है तो टू कैश हमेशा होगा, बस बाकी कुछ नहीं जानता मैं, बाकी साइड बदलती जाएंगी और कुछ भी नहीं होना। पार्टनरशिप फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया, मेरा खर्चा ना रियलाइजेशन डेबिट, जिसने पे कर दिया उसकी कैपिटल बढ़ा दो। पार्टनर का खर्चा पार्टनरशिप फर्म ने पे कर दिया, मैंने पे कर दिया ना टू कैश, पार्टनर का खर्चा था ना उसकी कैपिटल को कम कर दो, साइडें बदलते जाओ बस, और कुछ नहीं करना, दो बातें ध्यान रखना, मेरा खर्चा था रियलाइजेशन डेबिट होगा, मैंने पे करा टू कैश हमेशा होगा। मैं इतनी सिंपल सी बात जानता हूं, मैंने इन दोनों के दोनों इलस्ट्रेशन का यही क्रक्स निकाला, मेरा खर्चा है डेबिट, मैंने पे करा टू कैश, बस और कुछ नहीं मैं जानता, ठीक है ना, ये इलस्ट्रेशन का लेवल ठीक है, ये पेपर में आने लायक चीज है ये। चलो जी, इतनी सिंपल जनरल एंट्री थोड़ी आएंगी जो कल आपने की थी। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 9। चलो एक काम करो, इसको नोट कर लो फटाफट से, यहीं हो जाएगा फिनिश। इलस्ट्रेशन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं बेटा, कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। चलो जी, केसेस पढ़ते हैं बेटा, जर्नल एंट्री करते हैं, एक बार रब कर देता हूं मैं सब। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बेटा, 6 जर्नल एंट्री मुझे करने को कहता है। चलो जी फटाफट से करेंगे 6 की 6। अगेन आज मैं कोई होमवर्क नहीं देने वाला, सब फिनिश हो जाएगा यहीं पर बैठे बेटा। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 9 पहली एंट्री करते हैं, कहता है एल अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज गिवन अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। पार्टनर को कहा तू डिसोल्यूशन देख ले, तेरे को रेम्यूनरेशन देंगे 10,000। सिंपल बात, क्या होनी चाहिए एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। बेटा मेरा खर्चा है, मैंने एल को रेम्यूनरेशन पे करी है, लो जी, तो नगद हमने कुछ नहीं दिया होगा, उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया होगा। बढ़ो आगे बेटा, नेक्स्ट वन, कहता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एम। डिसोल्यूशन के खर्चे किसने पे कर दिए, एम ने पे कर दिए। कुछ बताया कि किसका खर्चा था, कौन बोन कर रहा था, अगर कभी कुछ ना बताया तो हर चीज फॉर्म की थी, तभी हमारे को दिया बेटा, वरना तो मैं देता भी ना, ठीक है ना। किसने पे कर दिया खर्चा, एम ने पे कर दिया, खर्चा था किसका, कुछ नहीं बताया तो फॉर्म का था, भाई मेरा खर्चा था तो रियलाइजेशन डेबिट,
मैंने तो पे नहीं करा, अगर मैंने पे किया होता तो टू कैश लिख देता। कहता है एम ने पे कर दिया, एम ने पे कर दिया तो क्या करूं, उसकी कैपिटल को बढ़ा दूं। लो जी तो एम्स कैपिटल अकाउंट 8000। चलो जी बेटा आगे बढ़ो जी, थर्ड वन। कहता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5000। ये तो सिंपल है, कुछ नहीं बताया किसका है, किसने पे करा, तो दोनों चीजें फॉर्म की है बेटा। खर्चा भी मेरा और पे भी किसने किया होगा, मैंने ही पे किया होगा। चलो जी बेटा बढ़ो आगे। कहता है पी आ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 7000। बेटा पी को का डिसोल्यूशन तू देख ले, 7000 रुपए तुझे रेम्यूनरेशन देंगे। पी एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। पी ने कहा डिसोल्यूशन के खर्चे मैं पे करूंगा। यही बात मैं 8 पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहा था, 8 इलस्ट्रेशन के देव वाले क्वेश्चन। चलो अब आ जाएगी बात। पी ने कहा सारे के सारे डिसोल्यूशन के खर्चे मेरे हैं, 7000 की रेम्यूनरेशन में ही है। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ 4000 वर पेड बाय द फर्म, वो भी फर्म से पे करा दिए। लो जी सामने देखना बेटा, सॉरी, अच्छा मैंने आगे वाला पढ़ लिया। कहता है एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 4000 पेड बाय पी। लो अगर पी ने पे करा बेटा तो कोई टेंशन ही नहीं। बाबू देखो डिसोल्यूशन में 7000 रुपए की आपने रेम्यूनरेशन दी, तो आपने रेम्यूनरेशन की एंट्री क्या की होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो पीस कैपिटल अकाउंट। नगद कुछ नहीं दिया होगा पार्टनर को, उसकी कैपिटल बढ़ा दी होगी, यही किया होगा ना आपने बेटा। और बाबू कहता है 7000 में से 4000 के एक्चुअल खर्चे हुए, जो पी ने कहा था मैं बियर करूंगा और पी ने ही पे करे हैं, तो मैंने क्या करना, पी अपनी बुक्स में देखेगा 4000 उसने पे करे, उसको फायदा हो गया 3000 रुपए का पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म का तो कोई रोल नहीं है ना अगर पी ने पे कर दिए, मैं क्यों अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा पेमेंट की, ठीक है ना जी। आगे बढ़ो बेटा फिफ्थ वन। एन अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 9000। जैसे पी को रेम्यूनरेशन दी 7000, वैसे ही बेटा एन को रेम्यूनरेशन दी 9000। एन एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एन ने कहा सारे डिसोल्यूशन के खर्चे मेरे हैं। कहता है एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ 4000 वर पेड बाय द फर्म, लेकिन 4000 रुपए फर्म से पे करा दिए उसने। लो जी सामने देखना बेटा, हमने सबसे पहले एंट्री करनी है बेटा उसको रेम्यूनरेशन देने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, नगद कुछ नहीं दिया होगा बेटा, पार्टनर की कैपिटल बढ़ाई होगी, तो एंस कैपिटल अकाउंट 9000। बेटा 4000 रुपए के खर्चे हुए हैं, पे किसको करने चाहिए थे, एन को, एन ने कहा मेरे हैं वो खर्चे, लेकिन आखिरी में एन ने कुछ नहीं दिया, फर्म से पे करा गया 4000 रुपए। और बेटा मैंने पे करे हैं टू कैश या टू बैंक, मेरी जेब से तो कैश चला गया ना अगर 4000 मैंने फर्म ने पे कर दिए, तो टू कैश या टू बैंक अकाउंट 4000 हमारी जेब से चले गए। बेटा मेरा खर्चा था, मेरा खर्चा होता रियलाइजेशन को और डेबिट कर देता, जैसे देव के केस में किया था। 15000 रेम्यूनरेशन भी मैंने दी थी, 8000 के खर्चे भी मैंने दिए थे, लेकिन यहाँ पर एन ने कहा है खर्चे मेरे हैं और पे कर दिए फर्म ने, अगर मैंने पे कर दिया बेटा टू कैश टू बैंक, मेरे खर्चे तो नहीं है, होते रियलाइजेशन डेबिट कर देता, एन के खर्चे हैं मैंने पे कर दिया, एन से निकलवा लें बेटा, क्या करें नगद तो देगा नहीं, क्या करें उसकी कैपिटल को कम कर दो, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू रुपी 4000। ओके बात। चलो जी सिक्स्थ वन पढ़ना जी, आप क्या करना चाहिए मुझे बताओ, गाइड करो इसमें क्या करें। क्यू आ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 18000। हाँ बिल्कुल 18000 रुपये बेटा रेम्यूनरेशन के देने हैं। कहता है क्यू एग्री टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ रुपीज 18000 एज इज रेम्यूनरेशन, द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा 18000 रुपए रेम्यूनरेशन के देने हैं पार्टनर को और उसने 18000 रुपए का स्टॉक एक्सेप्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ इस रेम्यूनरेशन, तो बेटा या तो आप एक काम करो, पहले टेक ओवर करने की एंट्री डाल दो और फिर बेटा रेम्यूनरेशन पे करने की एंट्री डाल दो, दोनों एंट्री एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हैं, बजाय इसके कोई एंट्री मत करो। देखो बेटा आप खुद सोचो, अगर वो स्टॉक ले गया तो इसके बदले में हम उसकी कैपिटल को कम करेंगे,
तो हमने एंट्री क्या करी होगी, अगर करी होती तो क्यू का क्यू नाम है ना, तो बेटा क्यू से पैसे लेने हैं क्योंकि कैपिटल को कम कर देते हैं, क्योंकि वो स्टॉक लेकर जा रहा है, स्टॉक नहीं आएगा, नाम आएगा रियलाइजेशन, क्योंकि स्टॉक पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में पहुंच चुका है 18,000, और उसको रेम्यूनरेशन देनी है 18,000, तो एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 18,000। तो बजाय इसकी एंट्री मत करो, दोनों एंट्री एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, अमाउंट इज ऑल्सो इक्वलेंट 18,000, तो बेटा एंट्री की जरूरत ही क्या है। तीन हजार और देने होते, हाँ फिर तो यहाँ पर और टू कैश आ जाता। पंद्रह हजार का स्टॉक ले गया वो, सिर्फ हमने 3,000 रुपये नगद दिए। जब देखो ऐसा जरूरी नहीं होता, अगर आपने मेरे को बोला नगद देने की बात हो गई, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कह दे कि नगद ही दे दिए पार्टनर को, भाई अगर नगद दे दिए तो टू कैश, और अगर नगद नहीं दिए तो क्योंकि कैपिटल बढ़ा देते हैं 3,000 रुपये से, ठीक है ना। चलो जी बढ़े आगे, खत्म यहाँ पर इलस्ट्रेशन। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे हूँ, पेज नंबर 8.47, पेज नंबर 8.47, क्वेश्चन नंबर 6 इस पेज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी से करेंगे बेटा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। ए केस, क्रेडिटर वर्थ रुपीज 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। मेरी तरफ देखना बेटा, बाबू 85,000 क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, कहता 40,000 नगद पे कर दिए, इसकी तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश 40,000, और बेटा बचे कितने क्रेडिटर 45,000, कहता है उसने 43,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर दी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी कि समझ लो उसने इन्वेस्टमेंट की कीमत 45,000 रुपये भी मान ली होगी बेटा। तो अगर कोई लाइबिलिटी सेटल हो गई है किसी एसेट से तो उसकी कोई जर्नल एंट्री हम करते हैं, कभी नहीं करते, यानी कि एक एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश 40,000 खाता, सिंपल बात, बढ़े आगे। चलो जी बी पॉइंट, क्रेडिटर वर रुपीज 16,000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यू डेट 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। कोई एंट्री होगी नहीं, एक लाइबिलिटी सेटल होगी एक एसेट से बेटा, खत्म। थर्ड वन, अब देखो ये काम की बात, क्रेडिटर वर 90,000 दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट 120,000 एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000। क्रेडिटर थे 90,000 रुपये के, बिल्डिंग ले गए 120,000 रुपये की, सेटल तो हो गया बेटा लेकिन 30,000 फालतू का सामान ले गए, अगर कुछ ना कहता तो मैं एंट्री ना करता, लेकिन उसने कह दिया क्रेडिटर ने 30,000 रुपये नगद पे कर दिए, मेरे पास कैश आ गया फर्म के पास, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 खत्म, सिंपल बात, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अभी आप एक काम करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करके दिखाएंगे। चलो जी बेटा सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 का। एक बार सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा 4 सिंपल है, 4 में गलती का स्कोप कम है, सबसे पहले 5 डिस्कस करते हैं। चलो जी फिफ्थ ए पार्ट, सबसे ज़्यादा गलती का स्कोप फिफ्थ ए में है बेटा, इसको बहुत आराम से पढ़ना। कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, रियलाइजेशन के खर्चे हुए 10,000 एंड पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक अ पार्टनर, और फर्म ने पे कर दिया आलोक के बिहाफ पर जो कि एक पार्टनर है। मान लो बेटा इतना ही होता फुल स्टॉप, रियलाइजेशन के खर्चे हुए 10,000, मान लो इतना होता रियलाइजेशन के खर्चे हुए 10,000 पेड बाय द फर्म, मैंने पे कर दिए बेटा फर्म ने तो जेब से कैश चला गया, तो कैश 10,000 किसके बिहाफ पर, आलोक के बिहा पर, आलोक को डेबिट कर देते 10,000 उससे निकलवा लेते, जब उसने कहा ना आलोक के बिहा पर पे कर दिया मतलब मेरा खर्चा ही नहीं था, तो रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करना था, ठीक है ना। लेकिन आगे कुछ कहता है पे कर दिया आपने आलोक के बिहा पर, एक पार्टनर है विद होम इट वॉज एग्रीड एट 7,500, लेकिन आलोक से एग्री हुआ कि वो तो 7,500 रुपये देगा। सर पे तो 10,000 हो गए ना,
रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है 10,000 कहता है, पर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, पे कर चुके आलोक के बिहाफ पर, लेकिन आलोक ने कहा मैं तो 7500 रुपए ही दूंगा। सर अब मुझे समझ नहीं आता आप क्या करते हो। किसी ने पहले टू कैश लिखा, आलोक को डेबिट करा 10,000 से, और बेटा बाद में काट के 7500। आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ। 10,000 पे तो हुआ ही हुआ है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। अगर ऐसे तो सोच लिया करो, कम से कम इतना तो अच्छा सोचो कि कैश तो 10,000 ही गया है। आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, आलोक ने क्या कहा कि मैं कितने दूंगा, मैं तो 7500 रुपए दूंगा, तो उसकी कैपिटल आप 7500 से कम करोगे। सर क्या रियलाइजेशन आपका खर्चा था? आपका नहीं था। जब उस आपने जब क्वेश्चन ने ये बोल दिया ना कि पेड ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, तो आपका तो नहीं था ना। अगर मेरा होता रियलाइजेशन को डेबिट कर देता, मेरा खर्चा है नहीं, कहता है आलोक कह रहा 7500 दूंगा। अब मैंने 10,000 पे कर दिया, आलोक मुझे 7500 देने को तैयार है, 2500 का नुकसान। और आपको बता देता हूँ सारे नुकसान भी तो रियलाइजेशन से ही जाते हैं। इस पूरी गेम में रियलाइजेशन से ही सारे नुकसान जाते हैं और सारे फायदे भी रियलाइजेशन से ही जाते हैं, ठीक है ना। तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन डेबिट 2500, या मैंने इसलिए नहीं डेबिट करा रियलाइजेशन को कि वो मेरा खर्चा है, या मैंने इसलिए डेबिट करा क्योंकि वो मेरा लॉस हो गया है। सर आपको वैसे याद करा देता हूँ, एक दिन शायद किसी पार्टनर का लोन अकाउंट था, 30,000 रुपये देने थे और शायद 20,000 रुपये में सेटलमेंट हो गई थी, तो हाँ जो भी ऐसा ही था। तो बाबू हमें अगर 1,000-2,000 रुपये का लोन अकाउंट से फ़ायदा हुआ था, तो मैंने वो फ़ायदा भी रियलाइजेशन में डाला था। डिसोल्यूशन में अगर कोई फ़ायदा होता है, कोई नुकसान होता है, उसका नाम भी रियलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ कोई P&L अकाउंट नहीं है आपके पास फ़ायदा नुकसान डालने के लिए, ठीक है ना। तो बेटा 2,500 का जो नुकसान हुआ है वो भी हम डेबिट करेंगे रियलाइजेशन से ही। दिया ठीक करा ना आपने, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, दावत पक्की है। चलो जी पेड बाय द फर्म लिखा हुआ है, लेंगे आलोक से ही। जब क्वेश्चन देखो बाबू, हम ऐसे थोड़ी सुप्रीम बन जाएंगे अपने आप को, लेने तो चाहिए, लेने तो चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि एग्री 7500 हुए, तो फिर मेरी इतनी पावर थोड़ी है, मैं कहूंगा नहीं 10,000 ही लेंगे। जब क्वेश्चन में लिखा गया तो हम क्वेश्चन से सुप्रीम थोड़ी बन सकते हैं, ठीक है ना। क्या पता ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो पहले, ऐसा हो सकता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि मैक्सिमम आलोक 7500 देने को तैयार है और खर्चे हो गए बाद में 10,000, तो आलोक ने कहा एक बार आप पे कर दो मैं दे दूंगा। आलोक ने आपने पे कर दिया 10,000, लेकिन तय हुआ था कि आलोक मैक्सिमम 7500 देगा, तो उसकी कैपिटल को आप मैक्सिमम 7500 ही तो कम करोगे, तो 2,500 कौन देखेगा, फॉर्म अपने आप देखे क्या हुआ, क्लियर है ना बात। चलो जी बी पार्ट कहता है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 5,000, इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल बियर 2,000 एंड बैलेंस बाय रविंदर अ पार्टनर। बेटा देखो कहता है रियलाइजेशन के खर्चे हुए 5,000, फर्म ने कहा मैं बियर करूंगी 2,000, यानी कि फर्म का खर्चा 2,000 रुपये है और रविंदर एक पार्टनर का खर्चा 3,000 रुपये है। क्या इसने ये बताया 5,000 पे किसने करे? नहीं बताया। कभी ना बताए कि कौन बॉर्न कर रहा है, कभी ना बताए कि कौन पे कर रहा है, तो हमेशा फर्म बॉर्न कर रही होती है, फर्म पे कर रही होती है। यहाँ पर इसने कह दिया फर्म बियर करेगी 2,000, रविंदर बियर करेगा 3,000, लेकिन ये नहीं बताया पे किसने करे। नहीं बताया तो पार्टनरशिप फर्म ने पे करे। और बेटा अगर आपने 5,000 पे करे हैं तो टू कैश या टू बैंक 5,000 आपकी जेब से चले गए होंगे। और आपने क्या कहा आपका खर्चा कितना है? सिर्फ 2,000। जितना आपका खर्चा है बेटा उसको हम रियलाइजेशन से डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये। 3,000 रविंदर ने कहा था मेरा खर्चा है मैं दूंगा, उसने दिया नहीं, फर्म ने पे कर दिया, तो हम क्या करेंगे रविंदर से निकलवाएंगे, उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, रविंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू ₹3,000। ओके बात, यही है गलती हो सकती है बस, या तो यहां या तो यहां बस, और कोई गलती का स्कोप है नहीं इसमें। डिसोल्यूशन के खर्चे 10,000 हैं, अमित ने पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, यानी कि फर्म ने पे करने थे लेकिन अमित ने कर दिया उनके बिहाफ पर, खर्चे तो फर्म के थे ना, इसका मतलब एंट्री क्या की होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट 10,000, अमित की कैपिटल 10,000 से बढ़ा दी होगी। ओके बात, क्लियर बात, करें जी 4 क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 4,
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 4000 वर टू बी मेट बाय मोहन अ पार्टनर बट पेड बाय द फर्म। वर्ड मेट गलत है, मेट का मतलब ही पे करने से होता है, वर्ड शुड बी बॉर्न। मेट वर्ड को काट के बेटा बॉर्न लिख देना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर टू बी बॉर्न बाय मोहन। मोहन ने कहा 10,000 रुपए के खर्चे मेरे हैं रियलाइजेशन के, एक पार्टनर है मोहन, बट इट इज पेड बाय द फर्म। देखो बेटा, मोहन ने कहा खर्चे मेरे हैं लेकिन फर्म ने पे कर दिए, और अगर फर्म ने पे कर दिए हैं तो बेटा टू कैश हमने पे कर दिए हैं बेटा, कितने 10,000। जबकि बेटा मोहन ने कहा था कि ये खर्चे मेरे हैं, तो बेटा अगर फर्म का खर्चा ही नहीं है तो रियलाइजेशन को डेबिट मत करना, खर्चा मोहन का है, आपने पे कर दिया, मोहन से निकलवा लो, उसकी कैपिटल को कम कर दो, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके बात, चलो जी नेक्स्ट वन। बेटा कहता है महेश अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन 25,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। महेश को रेम्यूनरेशन दी, सिंपल एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़ो सी पार्ट। कहता है सुरेश अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन 20,000 ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस फर्म पेड एन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000। बेटा सुरेश को रेम्यूनरेशन दी आपने 20,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, 20,000 रुपए की रेम्यूनरेशन दे दी। सुरेश ने कहा कि सारे खर्चे मैं ही पे करूंगा, तय हो गया बेटा कि वो पे करेगा, और फिर भी बाद में 5,000 रुपए उसने फर्म से पे करा दिए। अगर फर्म ने पे करे हैं तो जेब से क्या गया होगा बेटा, कैश गया होगा 5,000 रुपए का, और बेटा सुरेश का खर्चा था, आपका खर्चा होता रियलाइजेशन डेबिट कर देता, सुरेश का खर्चा था पे कर दिया आपने तो सुरेश की कैपिटल को कम कर देंगे, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, 5,000 रुपए। लो जी बेटा, अब हमारे क्वेश्चन सिर्फ 11-18 बचे हैं, जितने यहां कर सकते हो कर लो बेटा, बाकी होमवर्क चैप्टर का भोग डल गया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।